अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मौत के बाद अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष का पद खाली हो गया। महंत नरेंद्र गिरी के मौत के बाद बगंबरी गद्दी का जो उत्तराधिकारी था वो बना दिया गया है बलबीर गिरी को। लेकिन जो अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का जो अध्यक्ष का पद होता है वो 13 अखाड़ों का अध्यक्ष होता है। वो पूरे देश के अलग अलग कोने के जो अखाड़े होते हैं उनका एक मुखिया होता है। लगातार 13 अखाड़ों में से ये दावेदारी लगातार बन रही है, कई बैठकें भी हो चुकी हैं और कई बातें निकल के सामने आई है। यहाँ तक ये भी बातें आ गई 25 अक्टूबर को ये जो बैठक होगी उसमें अखाड़े परिषद अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी अगर सभी संतों की सहमति बनी तो। इसका जो घोषणा कर दिया है अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हरिगिरी जी। लेकिन अभी हमारे साथ हैं जो दिवेन शास्त्री जी जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष हैं और इनको कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप से आप अभी निर्वाहन कर रहे हैं, उसका कार्यभार देख रहे हैं। लेकिन पत्रिका उत्तर प्रदेश से आज ये खास बातचीत करेंगे कि जो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष का जो पद है उसका किस तरह से इसकी पूरी प्रक्रिया होगी, क्या सहमति होगी और 13 अखाड़ों की सहमति के बाद ही यह अध्यक्ष पद का चुनाव होगा कि जो 3 अखाड़े अलग हुए हैं और 10 अखाड़े उसके उनकी सहमति में होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी, देवेंद्र शास्त्री महाराज जी। आप ये बताइए कि अभी आप कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं तो ये किस तरह का चुनाव होगा, क्योंकि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का पद खाली है, कब तक ये निर्णय लिया जाएगा? देखिए, इसकी एक प्रक्रिया होती है, पहले एजेंडा घुमाया जाता है वो भी सबकी सहमति से कि इस तरीके को हम मीटिंग रखेंगे, किसी को कोई विशेष काम ना हो तो ये दिन रख लिया जाए कि सभी उपस्थित हो सके उसमें। तो ये जो अभी मैंने सुना है कि 25 तारीख को मीटिंग रखी है, अभी मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। मैं सुना था, पेपर के माध्यम से पढ़ा भी था कि दिवाली के बाद में रखेंगे। अब अचानक इन्होंने क्यों रखा ये मेरे समझ से परे है। महाराज जी, अभी जब सोरसी का आयोजन हुआ था उस समय भी 10 अखाड़ों के महंत आए थे, तो उस समय कुछ आपकी जो सभी अखाड़े इकट्ठे होंगे तभी इसका निर्णय लिया जा सकता है। महाराज जी, जैसे दूना अखाड़े के भी महंत जी ने ये दावा कर दिया कि अध्यक्ष पद हमें मिलना चाहिए और जो 3 अखाड़े अलग हो गए हैं, 10 अखाड़े एक तरफ है, 3 अखाड़े अलग हुए जो वैष्णव के, तो क्या है उनकी तरफ से भी दावेदारी आ रही है लगातार आपके पास? ऐसा है, 4 संप्रदाय हैं, चारों अपना अपने में पद चाहते हैं, मगर जब 13 की सहमति होगी तभी तो पद मिलेगा ना। नहीं, ये 3 अखाड़ा जो लगातार अभी दावेदारी कर रहे हैं, कौन से अखाड़े हैं और क्या चाहते हैं? क्या अभी कोई भी खुल के अपना दावेदारी नहीं कह रहा है, सब जब मीटिंग होगी सब में जिसमें महाराज नरेंद्र गिरी का सोर्सी भी हुआ था तो इसमें 10 ही अखाड़े शामिल हुए थे, वो 3 अखाड़े क्यों नहीं शामिल हुए, क्यों नाराज है? वो हरिद्वार कुंभ से ही थोड़ा अलग हो गए थे, कुछ आपस में हो गया था, अखाड़े में चलता रहता है। अगर वो 10 अखाड़े जो हैं, कम से कम 10 तो आए ना, 10 आएंगे और बैरागी भी आना चाहिए, 13 अखाड़े की परिषद है, जब सभी आ जाएंगे तो उसी में निर्णय हो सकता है। अच्छा, बैरागी में 3 कौन कौन से अखाड़े हैं जो? एक निर्वाणी अणी है, एक निर्मोही है, एक दिगंबर है। तो अभी आपकी तरफ से एज अ मतलब कार्यवाहक अध्यक्ष की तरफ से अभी आपका कब तक आप इस पे कार्यभार या अध्यक्ष पद के लिए क्या प्रक्रिया आपकी होगी? देखिए, जब अध्यक्ष चले जाता है तो उसके बाद उपाध्यक्ष ही सारा कार्यभार संभालता है, मगर अभी कोई ऐसी हमारे कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कुंभ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कब तक? जब भी हम सभी अखाड़े इकट्ठे होंगे, आपस में विचार करेंगे, जब हम बैठेंगे सभी अखाड़े 13 हों, तब हम निर्णय लेकर के बता सकते हैं। नहीं, जैसे जनवरी माघ मेला का भी आयोजन शुरू हो जाता है तो उसके पहले दिवाली के बाद में हम बैठेंगे सभी लोग, तो उसके बाद विचार करेंगे। अभी तो सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, अभी नवरात्र लग गया है, सभी अपने अपने पूजा पाठ में लगे हैं, उसके बाद देखेंगे, बैठेंगे सभी अखाड़ों में जाएंगे तो फिर विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राज्य उपाध्यक्ष दिवेन शास्त्री महाराज जी थे, जिन्होंने बताया कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का पद खाली है, लेकिन अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष का मुख्य भूमिका जो कार्य होती है वो कुंभ मेले के आयोजनों में होता है। लेकिन अभी जो लगातार ये बयान और जो राष्ट्रीय महासचिव जी के द्वारा से ये कहा 25 अक्टूबर के अध्यक्ष पद का घोषणा होगा, लेकिन इसको लेकर अभी बातें कुछ स्पष्ट रूप से साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष का कहना है कि लगभग दीपावली के बाद हम अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए निर्णय लेंगे, लेकिन अभी तक जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।